नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आगरा में एक क्रिकेट मैच को लेकर दो पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई। एक ही समुदाय के दो पक्षों में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। दरअसल मोहल्ला टोला में एक क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। दोनों पक्षों में हुए विवाद की सूचना पर पुलिस पहुंची, लेकिन लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया। पथराव में दो युवक घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। थाना शमशाबाद क्षेत्र के मोहल्ला टोला दरगाह ग्राउंड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगरा का यह पूरा मामला, जहां क्रिकेट मैच के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। और ताज्जुब की बात यह है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो लोग पुलिस पर भी पथराव कर देते हैं। इस पूरी पत्थरबाजी के बीच दो युवक घायल बताए जा रहे हैं, साथ ही कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त की गई हैं। थाना शमशाबाद क्षेत्र के मोहल्ला टोला दरगाह ग्राउंड का यह पूरा मामला जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। लखनऊ पुलिस लगातार सुर्खियों में है। दरअसल लगातार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अब थाना ठाकुरगंज पुलिस ने गुड वर्क के चक्कर में ही किरकिरी करवा ली है। 10 दिसंबर को घर में घुसकर युवक और उसके दोस्तों को रिंग रोड पुलिस ने उठाया था। गुड वर्क के चक्कर में 11 दिसंबर को पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ युवक की ईरम स्कूल के पास से गिरफ्तारी दिखा दी, जबकि घर से कूदकर पुलिस ने युवक को घर से लेकर थाने गई थी। घर के अंदर कूदकर पुलिस युवक को घर से थाने लेकर गई थी। सीसीटीवी में 10 तारीख की रात की घटना भी कैद हुई थी। वहीं पीड़ित परिवार ने राजधानी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित परिवार ने रिंग रोड चौकी इंचार्ज राकेश कुमार चौरसिया, सब इंस्पेक्टर संजीव चौधरी, हेड कांस्टेबल अमित कुमार और आरक्षी शिवम सिंह के खिलाफ कोर्ट में धावा बोल दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महिला आयोग और तमाम पुलिस अधिकारियों को भी तहरीर भेज दी है। तो गुड वर्क के चक्कर में पुलिस अपनी किरकिरी करा बैठी है। लखनऊ का यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। दरअसल एक सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद पूरा मामला खुलकर सामने आया, जिसके बाद परिजनों ने अब धावा बोल दिया है। आपको बता दें कि पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो उठते ही रहते हैं। ठाकुरगंज पुलिस ने गुड वर्क के चक्कर में किरकिरी कराई है। 10 दिसंबर की घटना है, जब घर में घुसकर युवक और उसके दोस्तों को रिंग रोड पुलिस ने उठाया था। और गुड वर्क के चक्कर में 11 दिसंबर को पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ युवक की ईरम स्कूल के पास से गिरफ्तारी दिखाई, जबकि पुलिस ने घर में कूद कर युवक को गिरफ्तार किया था और वो थाने लेकर आई थी, पकड़ा था। और इसी बीच आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई, जो 10 तारीख की रात की है, जहां पर पुलिस वाले युवक को ले जाते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में राजधानी पुलिस के खिलाफ पीड़ित के परिवार ने मोर्चा खोल दिया। पीड़ित परिवार ने रिंग रोड चौकी इंचार्ज राकेश कुमार चौरसिया, सब इंस्पेक्टर संजीव चौधरी, हेड कांस्टेबल अमित कुमार सहित आरक्षी शिवम सिंह के खिलाफ कोर्ट में धावा बोला है। पीड़ितों ने यही नहीं रुके हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, महिला आयोग और तमाम पुलिस अधिकारियों को भी तहरीर भेज दी है। सुल्तानपुर में किसान सहकारी चीनी मिल के कर्मचारियों ने मुख्य गेट पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और स्थानीय विधायक सूर्यभान सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। 34 माह से वेतन नहीं मिलने से गुस्साए कर्मियों ने चक्का जाम किया। कर्मचारियों ने कहा कि अंग्रेजों के समय में भी इतना उत्पीड़न नहीं था। तो तस्वीरें सुल्तानपुर की हैं, जहां पर चीनी मिल के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए चीनी मिल के कर्मचारियों ने कहा है कि अंग्रेजों के समय भी इतना उत्पीड़न नहीं किया जाता था। आपको बता रहे कि पूरा मामला दरअसल 34 माह से वेतन ना मिलने का है, जिसको लेकर कर्मियों का गुस्सा अब साफ नजर आने लगा और उन्होंने चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करते हुए उन्होंने मुख्य गेट पर स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह और स्थानीय विधायक सूर्यभान सिंह के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और साथ ही साथ कहा है कि अंग्रेजों के समय भी इतना उत्पीड़न नहीं था जितना इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो सुल्तानपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गुस्साए कर्मी अब प्रदर्शन करने लगे हैं। गुस्सा जग जाहिर होने लगा है। चीनी मिल के कर्मचारियों का यह प्रदर्शन है, जिन्होंने 34 माह से वेतन ना मिलने के चलते अब प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जहां एक तरफ मंत्री और स्थानीय विधायक को घेरा है, साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि इतना उत्पीड़न कर्मचारियों का अंग्रेजों के शासन में भी नहीं हुआ था जितना कि आजकल देखने को मिल रहा है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर चीनी मिल के कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करा है और विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा है कि इतना उत्पीड़न कभी नहीं किया गया, अंग्रेजों के शासन में भी इतना उत्पीड़न नहीं होता था कर्मचारियों का जितना कि अब देखने को मिल रहा है। पूरा मामला 34 माह से वेतन ना मिलने का है। तो 34 माह से वेतन ना मिलने के कारण गुस्साए चीनी मिल के कर्मचारियों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है।
वहीं संभल में किसान यूनियन के हजारों की संख्या में लोगों ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। विभिन्न मांगों को लेकर हजारों किसानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ा। कलेक्ट्रेट के गेट तक हजारों किसान जुटे रहे। पुलिस फोर्स कम पड़ी किसानों के आगे। हजारों किसान कलेक्ट्रेट के गेट पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए और आगरा हाईवे पर धरना देकर बैठ गए। तो जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट का यह पूरा मामला है। संभल की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर किसान यूनियन का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन दिखा। किसानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और पूरी अफरा तफरी की स्थिति बनते हुए नजर आ गई। तो संभल की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो संभल से एक खबर है, जहां पर किसान यूनियन के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया था और ऐसे में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हजारों किसानों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। कलेक्ट्रेट के गेट तक हजारों किसान जुट गए। पुलिस कम पड़ गई किसानों की आंखें। हजारों किसान कलेक्ट्रेट के गेट पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आने लगे और हाईवे, आगरा हाईवे जो कि बताया जा रहा है, वहां पर धरना देकर बैठ गए। तो जनपद मुख्यालय बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट का ही पूरा मामला है। ऐसा चकबंदी, स्वास्थ्य विभाग में इतना व्याप्त भ्रष्टाचार है। हमारे गांवों में अस्पताल है और वहाँ कोई नए डॉक्टर की पोस्टिंग होती है तो शासन आदेश है 2 साल तक उसे गांव में नौकरी करनी है, लेकिन सीएम को साठ घाट कर मोटी रकम लेकर शहरों में तैनात करते हैं। दूसरा वो पोस्ट मास्टर के नाम पे कितनी फोर्जरी, जब पोस्ट मास्टर रिपोर्ट ही गायब कर दी उसमें डॉक्टर कहने की सामने उसको किस तरीके जाँच हो, जो एफ आई आर गिरफ्तारी हो, सीएमओ की संलिप्तता है। अरे डॉक्टर के खिलाफ 300 लोगों पर दर्ज होना चाहिए। दूसरी फर्जी दवाइयाँ चल रही हैं, तीसरी फर्जी मेडिकल चल रहे हैं। तमाम किसान जो पिटता है वही जेल जाता है 50,000 से 1,00,000 के रेट है। दूसरी चकबंदी, 22 साल से लोगों को चक नहीं मिल रही, असरदार लोगों ने चक चक पाली है। जनपद बदायूं में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस की स्पेशल टीम लगी हुई है। अपराध के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है, इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 अवैध व्यक्ति शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे, यह सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में यह अवैध शस्त्र सप्लाई करने वाले हैं। मुखबिर की मदद से उसको लगा करके जहां पर यह अवैध शस्त्र का कारोबार करते थे, मुखबिर की मदद से वहां सौदेबाजी की और वहीं पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई, जिसमें 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और भारी मात्रा में कई बने व अध बने तमंचे भी बरामद किए गए। वहीं अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बदायूं से तस्वीरें हैं जहां अवैध शस्त्र फैक्ट्री को पुलिस ने खुलासा किया है। साथ ही साथ पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई, जहां पर 2 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की जहां से भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। तो पूरी मुखबिर की सूचना से ये अवैध शस्त्र की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और भारी मात्रा में कई बने वाद बने तमंचे भी बरामद कर लिए गए हैं। अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी साथ ही साथ बरामद किए गए। जनपद बदायूं में आगामी विधान सभा के जो चुनाव हमको दृष्टिगत रखते हुए लगातार हमारी स्पेशल टीम जो अपराध का के नियंत्रण में लगी हुई है, ये लगातार अभियान अपराधियों के विरुद्ध छेड़ा गया है। उसी के क्रम में मुखबिर की सूचना पर 2 ऐसे व्यक्ति जो अवैध शस्त्र की फैक्ट्री चला रहे थे और ये सूचना मिली कि ये अवैध शस्त्र भारी मात्रा में सप्लाई करने वाले हैं, इस सूचना पे मुखबिर को लगा करके और इनसे छद्म रूप में सौदे के बहाने इनके पास जा करके इनकी जो फैक्ट्री थी जहाँ पे निर्माण करते थे ला करके असेंबल करते थे, सहसा के 2 लोग हैं भूरे और अशोक, इनको गिरफ्तार किया गया है। खबर फिरोजाबाद से है, जहां एक परिवार पर दबंगों का कहर टूटा। मामूली बात को लेकर दर्जन भर लोगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। दबंगों ने जमीन पर गिराकर मारपीट कर उत्पात मचाया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया है। शुकवाद नगर के पक्का तालाब गोपाल डेरी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो फिरोजाबाद की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सीसीटीवी फुटेज की, जो कि अब वायरल भी हो रही हैं। तो एक परिवार को जमकर पीटने का मामला सामने आया है, जहां पर मामूली बात को लेकर दर्जन भर लोगों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज वीडियो में कैद हो गई, जिसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। दबंगों ने
जमीन पर गिराकर मारपीट कर उत्पात मचाया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई। इस वीडियो को आधार बनाकर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। शिकोहाबाद नगर के पक्का तालाब गोपाल डेयरी के पास की ये पूरी घटना है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। एक ही परिवार के लोगों को जमकर पीटा गया है, मारपीट की गई है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि पूरी घटना दरअसल एक मामूली बात को लेकर शुरू हुई और मामूली बात को लेकर हुई घटना के बाद दर्जन भर लोग एक घर में घुस गए और घर में घुसने के बाद उस घर में मौजूद लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है। ये फुटेज दिखाता है कि किस तरीके से दर्जन भर लोगों ने एक घर में घुसकर किस तरह से एक पूरे परिवार के साथ मारपीट की और जमकर मारपीट की गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लात घूसों के साथ जमकर मारपीट की गई है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया है। शिकोहाबाद नगर के पक्का तालाब गोपाल डेयरी के पास की ये पूरी घटना है। वहीं गोरखपुर में एक महिला ने आत्महत्या करने की कोशिश की। बता दें कि एक महिला जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, कार्यालय के बाहर उसने सल्फास की गोली खा ली, जिससे उसकी हालत बिगड़ती देख जिलाधिकारी कार्यालय पर मौजूद कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज नगर निगम ने उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल के इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने उसके इलाज के बाद जनरल वार्ड में उसको भर्ती कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए जिला चिकित्सालय के डॉक्टर सुमन ने बताया कि महिला ने सल्फास की गोली खाई थी, लेकिन उसकी स्थिति फिलहाल स्टेबल बताई जा रही है। तो गोरखपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर जिलाधिकारी कार्यालय के पास महिला ने सल्फास खा लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी कार्यालय में हड़कंप की स्थिति मच गई। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद जानकारी मिल रही है कि अब उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। तो गोरखपुर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महिला ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची थी, कार्यालय के बाहर उसने सल्फास की गोली खा ली, जिससे के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। ऐसे में जब हालत बिगड़ता देख वहां मौजूद कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। मौके पर चौकी इंचार्ज नगर निगम पहुंचे, जिन्होंने उसको अस्पताल जिला अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद इलाज के दौरान अब बताया जा रहा है कि अब महिला की स्थिति स्थिर है। पेशेंट अभी कॉन्शस है, स्टेबल है, अभी मैंने पूछा तो बता रही कि पेट में दर्द हो रहा है और उल्टी इसे लग रही है। तो इसका अभी मैंने ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर इसका 100/70 है, पल्स रेट 90 है और पेशेंट अभी स्थिति उसकी सामान्य बनी हुई है। जैसा कि इसमें हमारे भर्ती के वक्त जैसा पता चला है कि 1 बजे के आसपास इन्होंने सल्फास पॉइजनिंग खा ली है, तो पॉइजनिंग तो खतरा है ही है। सुबह 12 बजे घर से निकली हैं और सुबह 10:30 बजे से झगड़ा करना शुरू हो गया, जमीन के सिलसिले में, चाची चाचा और बड़े पापा बड़े मम्मी। फिर सब कोई कह रहा है कि आप जाओ घर छोड़ के, और फिर ये है कि इनको धक्का मार के सब कोई निकाल दे रहा है, और बड़े भाई को छेड़खानी में, चाची हैं मिस छाया यादव, बड़े भाई को छेड़खानी में कह रही है मुझे छेड़ रहा है, चाची कह रही है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों नाइट कर्फ्यू और पुलिस के अलर्ट के दौरान रेस्टोरेंट मालिक कपिल की हत्या के बाद का आरोपियों का वीडियो सामने आ गया है। आरोपियों ने कपिल की गोली मारकर हत्या के बाद रोड पर खड़े होकर एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो में दोनों आरोपी बेखौफ दिख रहे हैं। एक आरोपी इसमें कह रहा है कि उसने खुलेआम हत्या की है, जिसे मिलने आना है लुक्सर जेल में आए। वीडियो में आरोपी गालियों का भी प्रयोग कर रहे हैं। पुलिस ने वीडियो साक्ष्य के रूप में केस में शामिल कर लिया है। इस मामले में दोनों आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है, उनसे घटना में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि ये वीडियो भी साक्ष्य के रूप में ले लिया गया है। फिलहाल दोनों आरोपी जेल में कैद हैं। तो होटल संचालक की हत्या के बाद आरोपियों ने एक वीडियो बनाया था, जो वीडियो अब सामने आ गया है। आप इस वीडियो को टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर हत्या में शामिल दोनों आरोपी खुलेआम इस बात का बखान कर रहे हैं कि उन्होंने एक हत्या को अंजाम दिया है, जिसको जो करना हो वो आकर जेल में हमसे मुलाकात करे। तो आपको पूरी घटना के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि दरअसल नाइट कर्फ्यू, ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली नगर क्षेत्र के बीते दिनों नाइट कर्फ्यू और पुलिस के अलर्ट के दौरान रेस्टोरेंट मालिक कपिल की हत्या हुई थी। उसी कपिल की हत्या के मामले में दो आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। उन्हीं दोनों आरोपियों का ये वीडियो सामने आया है। आरोपियों ने कपिल को गोली मारकर हत्या के बाद रोड पर खड़े होकर ये वीडियो बनाया था, ऐसा कहा जा रहा है। इस वीडियो में दोनों आरोपी बेखौफ दिख रहे हैं, निडर दिख रहे हैं और कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमने हत्या की है, जिसे मिलने आना है वो लुक्सर जेल में मिलने आ जाए। ये वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसको केस डायरी में शामिल कर लिया है। ऐसे में ये वीडियो दिखाता है कि किस तरह से बदमाश नोएडा में बेखौफ है।
फिलहाल आपको बता दें कि दोनों आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एनटीपीसी परियोजना से प्रभावित 23 गांवों के किसानों ने सोमवार को अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी दादरी प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान महिलाओं समेत सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि पूर्व में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के दौरान किसानों को समान मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 दशक बीत जाने के बाद भी एनटीपीसी द्वारा अपने वादे को पूरा नहीं किया गया है। इसी के चलते किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी के गेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस फोर्स भी मौजूद दिखी। तो नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 23 गांवों के किसानों ने एनटीपीसी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उनका आरोप है कि जो कुछ वादे किए गए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में नोएडा में सारे किसान, कई गांवों के किसान एक साथ आ गए और जमकर प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि कुल 23 गांवों के किसानों ने एनटीपीसी के खिलाफ हल्ला बोला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये प्रदर्शन की तस्वीरें हैं जहां पर एनटीपीसी परियोजना से प्रभावित 23 गांवों के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी दादरी प्लांट के बाहर यह धरना प्रदर्शन किया है। तो जो लोकेशन है वो आपको बता दें कि एनटीपीसी दादरी प्लांट के बाहर यह पूरा धरना प्रदर्शन किया गया, जो कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इस दौरान महिलाओं समेत सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए वो नजर आए। किसानों ने आरोप लगाया है कि पूर्व में एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहित की गई जमीन के दौरान किसानों को समान मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन 3 दशक 30 साल बीत जाने के बाद भी एनटीपीसी द्वारा अपने वादे को पूरा नहीं किया गया है। जो वादे उन्होंने उस वक्त किए थे उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। इसी के चलते किसानों ने आज अपनी मांगों को लेकर एनटीपीसी दादरी के गेट पर यह धरना प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान आपको बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। वहीं ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी में रास्ते में एक युवक का सड़क पर शव पड़ा हुआ मिला। लोगों की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। युवक के पास मिले मोबाइल से उसकी पहचान हुई। फिलहाल फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जांच पड़ताल की है, जिसमें पुलिस का कहना है कि शराब के नशे में होने की वजह से यह रात में यहीं पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह पता चलने की बात कह रही है। तो एक अज्ञात शव मिला, जिसकी हालांकि बाद में मोबाइल के जरिए उसकी पहचान कर ली गई है। नोएडा का ये पूरा मामला है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का शव मिला है। हालांकि उसके पास से मिले मोबाइल फोन के जरिए उसकी पहचान कर ली गई है, ऐसा पुलिस का कहना है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जिसने वहां की परिस्थितियों को समझने की कोशिश की और ऐसा उनका कहना है कि रात में शराब के नशे में युवक यहीं पर गिर पड़ा। हालांकि जो पूरी रिपोर्ट है, जो पूरी बातचीत है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कही जा सकती है। तो ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी का ये जो रास्ता है, ये जो रोड है, वहाँ पर ये शव पड़ा हुआ मिला था। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी और पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही शव को अपने कब्जे में ले लिया। कब्जे में लेने के बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक के पास से एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया था, उस मोबाइल फ़ोन की मदद से युवक की पहचान की जा सकी है। हालांकि फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी, जिसने ये बताया है कि शराब के नशे में होने की वजह से ये रात में यहीं पर गिर पड़ा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई भी बात फाइनल तौर पर कही जा सकेगी। वहीं पीलीभीत में शराब की छापेमारी करने पहुंचे आबकारी विभाग के अफसरों को घर में कैद कर लिया गया। IGRSS की शिकायत पर गांव में आबकारी विभाग की टीम पहुंची थी। शराब माफिया के घर के बजाय पड़ोस के घर में विभाग के अफसर चले गए और घर में घुसते ही अफसरों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी, जिससे गुस्साए परिजनों ने अफसरों को बंधक बना लिया। परिजनों के साथ अफसरों की नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगा है। थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के फतेहपुर गाँव का ये पूरा मामला है। पीलीभीत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छापेमारी करने पहुंचे थे आबकारी विभाग के लोग, लेकिन गलती से जिस जगह की लोकेशन बताई गई थी, जिस जगह की मुखबरी हुई थी, उसके बजाय गलत घर में घुस गए। जिसके बाद अंदर पहुंचने पर, जब वो अंदर पहुंचे, आपको बता दें कि IGRS की शिकायत पर गांव में आबकारी विभाग की टीम पहुंची थी। शराब माफिया के घर पर ये छापेमारी करनी थी, लेकिन गलती से आबकारी विभाग की टीम शराब माफिया के बजाय दूसरे घर में पहुंच गई, जिसके बाद नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद उनको वहीं पर बंधक बना लिया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं पीलीभीत की।
उत्तराखंड के लालकुआ में आने वाले विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी दल के दावेदारों ने अपना अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। इन्हीं सबके बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत के अध्यक्ष पवन चौहान के हजारों समर्थकों ने नगर में विशाल जुलूस निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही समर्थकों ने पार्टी आलाकमान को एहसास दिलाया कि अगर पवन चौहान को टिकट नहीं दिया गया तो इसके परिणाम घातक होंगे। बता दें कि आचार संहिता लागू होने में कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में लालकुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली शुरू हो गई है। तो बीजेपी नेता ने विशाल जुलूस निकाला है, लालकुआ की तस्वीरें हैं जहां पर बीजेपी नेता पवन चौहान के जुलूस की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पवन चौहान, इसको भी सुनवाते हैं। भारतीय पार्टी को चुनाव जीतना, भारतीय पार्टी की सरकार बनानी है, भारतीय पार्टी निर्णय बहुत देख कर लेती है। और इस बार मैंने पहले भी निवेदन किया था कि मेरे को भारतीय पार्टी का टिकट मिलेगा, मेरे को इस बार निराश नहीं करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आज जनता का उत्साह देखते बनता था, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हमारे युवा साथियों के द्वारा बुलाए गए इतना समर्थन हिंदू कट्टर लालकुआ से था। अगर चोरगलिया गोलापार बेरवली रोड भी मिल जाए तो क्या होगा, सड़कों पर सैलाब आ जाएगा। अब आज थोड़ी तैयार बच्चे हमारे युवा साथी कह रहे थे कि ये 2-3 घंटे की हमारी तैयारी थी, और 2-3 घंटों की तैयारी बाद 1,500 व्यक्ति मजा। मेलकसर में सैनी समाज के लोगों ने सावित्रीबाई फूले जयंती के अवसर पर एक महासम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कोविड गाइडलाइन का पालन भी नहीं किया गया। सैनी समाज ने भीड़ जुटाने के लिए इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार सर्व समाज के नाम से किया था, लेकिन इस कार्यक्रम में मंच पर केवल सैनी समाज के लोगों को जगह दी गई। सैनी समाज ने इस कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए कांग्रेस पार्टी का नाम लिया। कार्यक्रम के दौरान सैनी समाज के लोगों ने विधानसभा चुनाव में अपने लिए पार्टी से टिकट की दावेदारी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, लक्सर की तस्वीरें हैं जहां पर टिकट के लिए दावेदारी की गई है। भाजपाई झूठ की पोल खोलने की थी, भाजपाई ढोल की पोल खोल यात्रा रैली थी और बहुत कामयाब रही। रावत जी जैसे सब टिकट की मांग कर रहे हैं, चाहे वो सैनी समाज हो या ऐसे समाज हो, हम समन्वय करेंगे। हम अधिकांश समाजों को जो है प्रतिनिधि देंगे, जिनको वहां नहीं दे पाएंगे उनको सरकार में पद दे करके नवाजेंगे। अच्छा सर, एक सवाल और लास्ट सवाल, जो हमारे विनोद गुर्जर जी हैं वो अपनी फेसबुक अकाउंट से जो है ट्वीट कर रहे हैं कि अब की बार प्रमोद खारी लक्सर में, मुझे क्या मतलब है? ये उन्हीं से पूछा जाए। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।